वेलकम टू टुडे शाम कर आते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूँ सपना, बात कर रहे हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। आपको बता दें इन्होंने अपने इंडस्ट्री में अब तक के 36 साल पूरे कर लिए। माधुरी ने फिल्म अबोध से 1984 में डेब्यू की थी और उसके बाद इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कई अलग अलग भूमिकाएँ बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स जो है वो निभाए हैं और सबके दिलों पर राज किया है। सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित जो है एक सेशन करते हुए एक्ट्रेस ने अपने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए और इन जवाबों में जो है आप देख सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जो भी कहानियां हैं उनकी जो जर्नी है उसके बारे में बताती दिखी। आपको बता दें कि माधुरी ने सेशन की शुरुआत जो है वो करते हुए लिखा कि ट्विटर पर जो है उन्होंने ट्वीट किया है कि बाकी सभी मील के पत्थर की तरह करा इस भी हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ 36 साल बॉलीवुड में मेरी यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आपसे चैट करने के लिए ट्विटर पर मौजूद हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद लगातार फैंस जो है उनसे क्वेश्चन पूछते गए और माधुरी जो है हर एक क्वेश्चन का जवाब देती गई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब मैं अबोध में काम कर रही थी, मेरा जब पहला शॉट लिया गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपने देख रही हूँ, मैं सपने में काम कर रही हूँ। उनकी एक फ़ैन ने जब उनसे पूछा कि जब आपने अपनी पहली फिल्म अबोध की कल्पना की थी तो आपने क्या सोचा था कि क्या ये फिल्म आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसका जवाब माधुरी दीक्षित ने कहा, मैंने अबोध किया तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक फिल्म में काम करूँगी। उन्होंने ये भी बताया, मेरी जो जर्नी है वो एक थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड की तरह है, बहुत ही बेहतरीन जो है मैंने अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स बिताए हैं इंडस्ट्री में, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर्स निभाए हैं। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।